हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं जेवी एडिटिंग चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आज मैं आपको फेस पे दाढ़ी कैसे लगाएं, फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो फोटो आप एडिट करना चाहते हो उस फोटो को कर लेंगे सेलेक्ट और उस फोटो को हम शेयर करेंगे यहाँ से पहले लाइटरूम ऐप में, जिससे हम फेस को गोरा कर सकें। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं थोड़ा फेस को गोरा कर लेंगे, उसके बाद में जो है दाढ़ी को ऐड करें। वो कैसे ऐड करना है आपको प्रॉपर तरीके से देखिए। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैंने पिक को कर लिया। इसमें ऐड होने के बाद में यहाँ से हम लाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा इसमें जो ब्राइटनेस है इसको हम बढ़ा लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं लाइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है इसका जो एक्सपोजर, इसको हम कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट को बढ़ा लेंगे, यहाँ से शैडो को बढ़ा लेंगे और यहाँ से वाइट को भी कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से हम कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मिक्स वाले टूल्स पर आएंगे और यहाँ से जो है फेस को हम वाइट करने के लिए यहाँ से जो है मिक्स वाले टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है फर्स्ट वाले टूल की सेचुएशन बढ़ा देंगे एंड सेकेंड वाले टूल की सेचुएशन डाउन कर देंगे एंड लुमिनोज को बढ़ा देंगे, जिससे मेरा फेस है वो वाइट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में जो थर्ड वाला टूल है इसकी सेचुएशन एंड हुई को दोनों को डाउन कर देंगे एंड जो फोर्थ वाला टूल है इसकी सेचुएशन एंड हुई को डाउन कर देंगे। फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में आप देख सकते हो मेरा जो फेस है वो वाइट हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों, इस फेस को स्मूथ करने के लिए यहाँ से हम थोड़ा लाइट पे क्लिक करके यहाँ से एक्सपोजर को बढ़ा देंगे। फाइनली दोस्तों, यहाँ से जो फेस है इसको स्मूथ करने के लिए इस पिक को हम शेयर करेंगे स्केचबुक ऐप में। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से जो है इस पिक को शेयर कर लेता हूँ स्केचबुक ऐप में। तो आप देख सकते हो मेरी जो पिक है वो स्केचबुक ऐप में ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से जो है स्केचबुक ऐप को ओपन कर लेंगे और यहाँ से जो है अपनी पिक को कर लिया ओपन। ओपन होने के बाद में यहाँ से जो है फेस को कर लेंगे स्मूथ। तो यहाँ से हम टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इस वाले ब्रश को कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ से जो है सेलेक्ट करने के बाद में इसकी सेटिंग है कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ से जो है सेटिंग कर लेंगे और यहाँ से सेटिंग करने के बाद में यहाँ से जो है फेस को करेंगे स्मूथ। फाइनली दोस्तों, यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इसका फ्लो है डाउन कर देंगे एंड साइज है इसको अपने हिसाब से आप रख लेंगे। फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से हम करते हैं डन और डन करने के बाद में यहाँ से जो है फेस पे अप्लाई करेंगे, जिससे मेरा फेस है वो वाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरा जो फेस है वो वाइट हो रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने फेस को वाइट कर सकते हो, सॉरी स्मूथ कर सकते हो। तो यहाँ से जो मेरा फेस है वो स्मूथ हो रहा है। तो यहाँ से मैंने वीडियो कर दिया फास्ट, जिससे मेरा वीडियो लंबा ना हो और यहाँ से जो फेस है वो भी जल्दी से स्मूथ हो जाए। तो आप देख सकते हो मेरा जो फेस है वो स्मूथ हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने फेस को स्मूथ कर सकते हो। छोटे छोटे पार्ट में आप जूम करके फेस को स्मूथ करिए, जिससे आपका फेस है वो अच्छी तरह से स्मूथ होगा। तो आप देख सकते हो मेरी जो फेस है वो स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ से हम इस पिक को सेव कर लेंगे गैलरी में और गैलरी में सेव करने के बाद में यहाँ से जो है इस पिक को हम ओपन करेंगे पिक्सआर्ट ऐप में, जिससे हम जो है इसमें दाढ़ी ऐड करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, जो दाढ़ी है उसको कैसे ऐड करें, उसकी पिन जो PNG वगैरह होगी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से जो है पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेंगे और यहाँ से जो है अपनी पिक को पिक्सआर्ट ऐप में इंपोर्ट कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो मेरी जो पिक है वो पिक्सआर्ट ऐप में ओपन हो चुकी है और यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है अपनी PNG को कर लेंगे ऐड। तो यहाँ से PNG को ऐड करने के बाद में यहाँ से जो मैंने PNG कर लिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जो है ब्लेंड पे क्लिक करेंगे, PNG पे क्लिक करके यहाँ से ब्लेंड पे क्लिक करेंगे, जिससे मेरा जो इसमें वाइट दाढ़ी में जो वाइट वाइट कलर है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से ब्लेंड पे क्लिक करके मल्टी पे क्लिक करते हैं और मल्टीप्लाई पे क्लिक करके यहाँ से कुछ इस तरह से इसको ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो मेरा जो फेस है वो, सॉरी जो दाढ़ी है वो अच्छी तरह से ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने फेस पे दाढ़ी ऐड कर सकते हो। यहाँ से जो है कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट है इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ से एक दोबारा जो PNG है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से कुछ इस तरह से इसको लगा देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से हम फिर इसको डन करके यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है इसको कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो मेरा PNG है बियर्ड वाला वो ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने फोटो में बियर्ड PNG ऐड कर सकते हो एंड बियर्ड को लगा सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, जो मैंने PNG ऐड की है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग सीख सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे जो फोटो है जो मैंने दिखाया था, जो मैंने उसमें थंबनेल में लगाया था, वही मैंने फ़ोटो एडिटिंग की है। तो इस तरह से आप भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो एंड अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।